सतनामी संप्रदाय के द्वारा सिटी कोतवाली का घेराव, सामाजिक सतनामी समाज के ध्वज का अपमान। बलौदा बाजार से इस वक्त की बड़ी खबर। बलौदा बाजार जिले में आज बलौदा बाजार सिटी कोतवाली थाने को सतनामी समाज के द्वारा घेराव कर दिया गया है। इस मामले की पूरी जानकारी ये है कि कल शाम को असामाजिक तत्व के लोग और उनके साथियों के द्वारा सतनामी समाज के ध्वज को उखाड़ करके उसको नाली में फेंक दिया गया, जिससे सतनामी समाज के लोगों के द्वारा अभद्र व्यवहार एवं सामाजिक संप्रदाय की आस्था को ठेस पहुंचाने वाली बात सामने आई। और अभी इसी तरह की बातों को लेकर बारंबार थाना सिटी कोतवाली को कहा जा रहा था, जिसमें थाना सिटी कोतवाली में तत्काल ही FIR किया गया और आरोपी की धरपकड़ की प्रक्रिया जारी है। मगर सतनामी समाज के द्वारा जल्द ही आरोपी को पकड़ने की बात कही जा रही है, नहीं तो उग्र आंदोलन करने की भी बात हो रही है। थाने का घेराव इसलिए हुआ है कि कल रात में जो है 10:30 बजे 11 बजे के आसपास जो है एक घटना हुई, जिसमें जो है सतनामी समाज का जो बैनर लगा हुआ था, पोस्टर लगा हुआ था उस पर, और जो झंडा लगा हुआ था उस पर जो है कुछ शरारती तत्वों ने, बलौदा बाजार के कुछ शरारती तत्वों ने जो है उस पर जो है उसको नाली में फेंक करके उसको जो है फिर उस पर जो है पेशाब कर दिए, जिससे जो है हमारे समाज के लोगों ने देखा, हमारे समाज के बच्चों ने देखा और अन्य जो है मुसलमान भाई लोग हैं वो लोग भी देखे, उसको बताया। फिर बताने के बाद जो है तुरंत जो है थाने में उसका जो है अपराध मतलब दर्ज किया गया। तो उस समय जो है यहाँ से पुलिस वही गई और जो है सबको बरामद किया, लेकिन वो जो है जिस जो बच्चे थे मतलब जो घटना को अंजाम दे रहे थे वो वहाँ पर नहीं थे, इसलिए जो है उनको अरेस्ट नहीं किया गया। फिर भी जो है शांत किया गया, जो सतनामी बच्चे जो आक्रोशित थे उनको शांत किया गया, क्योंकि वहाँ पे बहुत अप्रिय घटना हो सकती थी। आक्रोशित थे पूरे सतनामी समाज जो है, पूरा आक्रोशित था, सतनामी नवयुवक पूरा आक्रोशित थे। इस स्थिति को शांत करने के लिए जो है FIR दर्ज यहाँ पे किया गया और 12:45 पे जो है FIR दर्ज हुआ है, जिसमें जो है किसी धार्मिक भावना को ठेस अभी आश्वासन दे रहे हैं कि भाई कुछ समय के पश्चात अभी लोकेशन मिल नहीं रहा है, लोकेशन मिलने के बाद ही जो है उनको अरेस्ट किया जाएगा, ये आश्वासन दिया जा रहा है। सर कितने लोग हैं इसमें? इसमें 5 लोगों का नाम जब है और उसमें अन्य भी है, मुख्य रूप से जो है प्रणम पांडे है और उसमें 4-5 और नाम है उनका जो है वो दिया जा रहा है। और आंदोलन को लेकर और क्या कहना चाहेंगे? आंदोलन आपकी मांग पूरी नहीं होती है? हमारी मांग जैसे पूरी नहीं होती है तो इस स्थिति में जो है सतनामी समुदाय जो है पूरा आक्रोशित होगा और आक्रोशित होकर के जो है जो भी अपनी घटना होगी उसके लिए शासन और प्रशासन जिम्मेदार रहेगा, क्योंकि ये सांप्रदायिक दंगे का रूप न ले, इसलिए हम चाहते हैं कि जो है उसको अरेस्ट किया जाए, जो भी इस काम को अंजाम दिया है उसको अरेस्ट किया जाए और अरेस्ट किया करके जो है उसके साथ अपराध पंजीकृत करके जो है उसके ऊपर कार्रवाई की, यही चाहता है सतनामी समाज। जिला बलौदा बाजार में हुए अत्याचार के विरोध में पूरे जिला बलौदा बाजार के सतनामी समाज यहाँ पास में सिटी कोतवाली थाना बलौदा बाजार में उपस्थित हुए हैं, जिनमें हमारे जिला बलौदा बाजार के SP महोदय से बात किया गया, जिसमें बताया गया है कि 3 दिनों के अंतर्गत उस आरोपी को पकड़ करके लाया जाएगा ऐसा करके, जिसमें हमारे तरफ से बोला गया कि अगर 3 दिनों के अंतर्गत अगर अपराधी नहीं पकड़ाया जाता है 4th दिन छत्तीसगढ़ पूरे सतनामी समाज के तहत में उग्र आंदोलन होगा। यहाँ मैं पुलिस प्रशासन के समक्ष मैं बोल रहा हूँ, मेरा नाम जितेंद्र कुमार भीत लहरे है, अखिल भारतीय सतनाम सेना का जिला अध्यक्ष हूँ जिला बलौदा बाजार से। आप बात कीजिए सर, चलिए बोलिए सर, घर से ले लेते हैं। सही है, प्रश्न कर लीजिए ना, चुप रहो ना, चुप। सर ये क्या मामला था जिसको लेकर आप कल रात को जो है एक FIR दर्ज की गई है, जिसमें सतनामी समाज के जो गुरु हैं उनका अपमान किया गया है। इस संबंध में कुछ नामजद आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है और उनकी पता तलाश की जा रही है, जो कि अपने सकूनत से फरार चल रहे हैं। इस संबंध में जो इनकी अभी चर्चा हुई है उसके अनुरूप ही कार्य किया जाएगा और यथासंभव और यथाशीघ्र हम आरोपियों को गिरफ्तार कर लेंगे। सर 3 दिनों के अंतर्गत अगर पुलिस प्रशासन नहीं पकड़ पाती है तो पुलिस प्रशासन को हम नाकाम समझेंगे और
पूरे बलौदा बाजार जिला तो नहीं कहूँगा, पूरे छत्तीसगढ़ के सतनामी समाज के जितने भी हैं हमारे अनुयायी हैं जो गुरु घासीदास बाबा जी को मानते हैं, सभी के द्वारा पूरे जिले बलौदा बाजार को बंद कराया जाएगा। यह मेरा तीन दिनों का अल्टीमेटम दिया गया, तीन दिनों के बाद में चौथे दिन हम खुद का अल्टीमेटम दिया गया है। अभी आप धरना प्रदर्शन समाप्त कर रहे हैं? नहीं, ये अल्टीमेटम के दौरान में अभी हम लोग तो कर रहे हैं, क्योंकि सामाजिक रूप से सामंजस्य हम लोग लेकर के चल रहे हैं। अगर तीन दिन के बाद नहीं होता तो पूरे छत्तीसगढ़ के लोग यहाँ पास में जाकर के धरना देंगे। हमारे नगर की जो संस्कृति है, शांति व्यवस्था है, उसको कायम रखेंगे? हाँ, कायम रखूंगा सर, ऐसा तो नहीं है कि कायम नहीं रखेंगे। हाँ हाँ, कर रहा हूँ। लोग यहाँ पे थाने का घेराव किए थे, क्या था मामला, कैसे क्या? कल रात में दुर्गा चौक में लगभग 10:30 बजे की घटना है, वहाँ पर गुरु घासीदास बाबा जी का फ्लैक्स लगा हुआ था, तो कुछ असामाजिक तो ने फ्लैक्स को तोड़ दिया और पेशाब उशाब कर दिए, मतलब एक धार्मिक आस्था को ठेस पहुँचाए। तो सतनामी समाज के कुछ लोग आए यहाँ पर, तो रात में 3 मिनट पर ही FIR कायम किया गया, और जैसे FIR हुआ तो उनको पता लग गया था कि FIR हो चुका है, तो सभी आरोपी फरार हो गए हैं। सवेरे से टीम भेजी गई थी, अभी भी लगातार प्रयास जारी है, लेकिन अभी तक उनके लोकेशन पता नहीं मिले, उन्होंने मोबाइल बंद करके इधर उधर घूम गए और संभवतः अपने घर से निकल गए हैं, वो बलौदा बाजार से बाहर है। 2-3 टीम रवाना किए हैं और संभवतः उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। और उनके खिलाफ में 295 का और 3-2-8-10 STC Act कायम किया गया है। तो ये जो प्रकरण है गैर जमानती है, निश्चित रूप से गिरफ्तार होने पर उनको रिमांड पर भेजा जाएगा। समाज के लोग अभी क्या कह रहे हैं? समाज के ये धार्मिक आस्था को ठेस लगा है, तो समाज जाहिर है समाज के लोग मतलब इसमें नाराजगी जाहिर तो करेंगे। किसी भी धर्म के खिलाफ, किसी धार्मिक जो पूज्य आदमी है उसके खिलाफ अगर कोई इस तरह की वारदात होती है तो जाहिर है कि समाज सामने आएगा ही, सामाजिक मुद्दा है, तो इसमें प्रशासन भी लगी हुई है, प्रशासन पूरी तरह उनको समाज वालों को साथ दे रही है।